फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टरों ने दिल्ली की रहने वाली मरीज का सफल ऑपरेशन करते हुए लगभग 4.5 किलो की रसौली निकालने का कारनामा किया। बता दें कि सफल ऑपरेशन करने वाले अस्पताल की गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी ने बताया कि ऑपरेशन जटिल था, अगर ऑपरेशन होने में कुछ देरी होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। इस सफल ऑपरेशन के बाद निकाली गई लगभग 4.5 किलो की रसौली को हम आपको टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसे देखकर कुछ लोगों का हृदय विचलित हो सकता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले 2 साल से इसे अपने पेट में लेकर घूम रही महिला ही बता सकती है कि वह इसको लेकर कितनी परेशान थी। लगभग 45 वर्षीय महिला मरीज की बेटी रचना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी माँ पिछले 2 साल से दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काट रही थी, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर उसे टेस्ट पर टेस्ट करा रहे थे लेकिन ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। परेशानी ज्यादा बढ़ता देख वह अपनी माँ को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान लेकर आई और यहाँ डॉक्टर रजनी को दिखाया। डॉक्टर रजनी ने मरीज की हालत को देखने के बाद उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी, जिसके बाद आज उनका सफल ऑपरेशन किया गया। रचना ने बताया कि अब उनकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है, अगर कुछ और देर होती तो उनकी माँ के साथ कोई अनहोनी हो सकती थी। वहीं रचना ने इस ऑपरेशन को करने वाली डॉक्टर रजनी और उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। रचना, मेरी मम्मी का रसौली थी, 2 साल से तो संजय गांधी में दिखा रहे हैं, वहाँ कोरोना की वजह से हो नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ बुलाया। फिर वहाँ बस टेस्ट की बोलते थे, कभी ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, 2 साल से रखे खा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा था, धन्यवाद तो करी है। वहीं दिल्ली की रहने वाली मरीज का सफल ऑपरेशन कर 4.5 किलो की रसौली निकालने का कारनामा करने वाली डॉक्टर रजनी ने बताया कि ऑपरेशन जटिल था, अगर ऑपरेशन होने में कुछ देर होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। एक्चुअली ये पेशेंट थी गीता, 45 इयर्स ओल्ड, और इसको बहुत स्वेलिंग थी एब्डोमेन में, अबाउट 28 वीक्स था यूट्रस। तो हमने जब इसका अल्ट्रासाउंड कराया, ये पेशेंट दिल्ली में 2 साल से धक्के खा रही थी, खा रहे इसके टेस्ट हो चुके थे, बीच में ब्लीडिंग होती थी तो ब्लड भी लगा था, इसको थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर भी है। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आई तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड देखा और उसमें बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे। पेशेंट परेशान थी, इसीलिए हमने अब उसका ऑपरेशन किया है और हिस्टेरेक्टमी, पूरी बच्चादानी, यूट्रस और दोनों ओवरीज निकाल दी। 28 वीक्स की है और वजन तकरीबन 4-4.5 किलो है। पर डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ब्लीडिंग का चांस रहता है, यूरेटर और ब्लैडर जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे प्रिकॉशन लिए और पेशेंट ठीक है अभी। पेशेंट अभी हम ओटी से शिफ्ट करेंगे, पेशेंट ठीक है अभी।